Today I'm gonna show you all the topics we cover during our veterinary degree right from the first year to final year. So watch closely. My name is Himanshu and I'm a final year veterinary student, and by the end of video you will know everything about veterinary syllabus and कैसे आप इसको कंपेयर कर पाएंगे अदर मेडिकल प्रोफेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड इन द बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कोर्स। तो पहला सब्जेक्ट जो आता है वेटनरी एनाटॉमी, सेकेंड है वेटनरी फिजियोलॉजी, थर्ड है वेटनरी बायोकेमिस्ट्री, फोर्थ है वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमको ओवर द 5.5 ईयर पढ़ने होते हैं। एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, पैरासिटोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें किस तरह का कोर्स डिवाइड होता है, ये वीडियो उनके लिए है जो एक बार एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और वो टॉपिक्स जानना चाह रहे हैं, और जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वो जानना चाह रहे हैं कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना होगा। तो आई विल बी गोइंग वन बाय वन एंड यू विल हैव टू वेट बिकॉज इट कैन बी अ लेंथी वीडियो। फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये चार सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद सेकंड प्रोफेशनल ईयर में ये सब्जेक्ट्स हैं, थर्ड प्रोफेशनल ईयर में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से ईयर में है। ठीक है, फोर्थ ईयर में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और फाइनल ईयर यानी कि जो फिफ्थ ईयर होता है वो मेनली इंटर्नशिप का होता है, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस उसमें करनी होती है, हमें कहीं पर जाके काम करना होता है ताकि हम वो काम को प्रैक्टिकल और फील्ड सिचुएशन में सीख सकें। तो वेटनरी एनाटॉमी में यूनिट फर्स्ट में जो जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है जनरल ऑस्टियोलॉजी, आर्थोलॉजी एंड मायोलॉजी यानी मसल्स और बोन से रिलेटेड है। उसके अलावा इसी में आता है जनरल एंजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी यानी कि हार्ट वगैरह के बारे में इसमें आ रहा है। इसके अलावा स्पेलंकोलॉजी भी इसी के अंदर आता है यानी कि सॉफ्ट टिश्यू वगैरह। एनाटॉमी में यूनिट्स बॉडी सेगमेंट्स के हिसाब से बटी होती है, फिर हमें पूरा फोरलिम्ब पढ़ाते हैं, उसमें जितनी भी नर्व्स वेसल वो सब है वो सब इसमें आएगा। यूनिट 3 में हेड एंड नेक के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 4 में थोरेक्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 5 में एब्डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 6 में हाइंड लिम एंड पेल्विस के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 7 में साइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट 8 में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ह्यूमन मेडिसिन की तरह इन सब के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, उन सब के बारे में एक साथ पढ़ेंगे। फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स है तो फोर लिम्ब ऑफ ऑक्स भी होगा, फोर लिम्ब ऑफ कैट भी होगा, फोर लिम्ब ऑफ डॉग भी होगा, तो ये सब एक साथ चलते हैं एक यूनिट के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है और वेटनरी एनाटॉमी सही में एक बहुत ही वास्ट और मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड वेटनरी फिजियोलॉजी के बारे में, जो भी हार्ट मसल्स या फिर आई वगैरह के बारे में इस यूनिट में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजाइम्स हमारे वर्क करते हैं, तो सारा फिजियोलॉजी जो होती है वो यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं। थर्ड में एक्सक्रीटरी और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं यानी कि मेनली ग्लैंड्स इसमें आते हैं। यूनिट 4 में रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन, ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वेटनरी बायोकेमिस्ट्री में जनरल यूनिट 1 जो है वो है जनरल वेटनरी बायोकेमिस्ट्री। उसके अलावा यूनिट 2 में आ रहा है इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, जैसे कि इंजाइम्स के बारे में आ रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रब्स साइकिल, बायो एनर्जीज, लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो ये सब एक जो मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ें होती हैं वो सिखाया जाता है इस पर्टिकुलर कोर्स में। थर्ड है वेटनरी एनालिटिक्स बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट जो कि है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट में किस तरह से लाइफ स्टॉक का मैनेजमेंट करना है, उनसे किस तरह से प्रोडक्शन लेना है, तो ये सब हमें बताया जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट में जनरल लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, उसके बाद फोडर प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन के ऊपर, उसके बाद लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट रूमिनेंट्स में, फिर फोर्थ में जू एनिमल्स प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, ये जू वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, लायंस की क्या होती है, एलिफेंट्स की क्या होती है, वो सब भी हमें थोड़ा बहुत बताया जाता है। उसके बाद आता है एनिमल वेलफेयर के बारे में भी, इसमें काफ़ी सारे मैनुअल्स वगैरह रहते हैं, एक्ट्स वगैरह हमें याद करने होते हैं, ब्रीड्स हैं कैसे मैनेजमेंट करना है, ब्रूडिंग मैनेजमेंट कैसे करना है, पोल्ट्री जजिंग कैसे करना है, एग का स्ट्रक्चर क्या होता है, एग किस तरह से रखते हैं। उसके अलावा सेवन्थ यूनिट इसी में आती है डाइवर्सिफाइड पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड हैचरी मैनेजमेंट, किस तरह से आप हैचरी मैनेज कर सकते हो, लेबोरेटरी और रैबिट और पेट एनिमल प्रोडक्शन मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हो। यूनिट 9 देखिए स्वाइन पिग्स के बारे में, इक्वाइन हॉर्स के बारे में, कैमल, याक एंड मिथुन प्रोडक्शन, हाई एल्टीट्यूड में याक्स का प्रोडक्शन, वहाँ पर सिल्क, वूल, ये सब प्रोडक्शन का भी हमें पूरा पूरा पढ़ना होता है इस वाले कोर्स में। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड ईयर्स के कुछ सब्जेक्ट। तो वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी हमारे सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, इसमें जनरल और सिस्टेमिक वेटनरी बैक्टीरियोलॉजी आता है, यानी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो सब हमें इसमें पढ़ाए जाते हैं, कैसे उनकी क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजी क्या है, वायरुलेंस कितना है, पैथोजेनिसिटी क्या है, ये सारे बैक्टीरिया के नाम दे रखे हैं जो जो हमें मेजरली पढ़ने होते हैं। इनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया हैं बहुत डिजीज कॉज करते हैं।
उसके बाद आता है वेटनरी माइकोलॉजी, यानी कि फंगस के बारे में, प्रोडक्शन कैसे होता है उनमें, डिजीज कौन कौन सी कॉज करती है, और हमें ये स्पेसिफिक फैमिलीज या फिर इनके जीनरा है जो हमें पढ़ने होते हैं, एंड ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है बात माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि जो बहुत ही एडवांस जेनेटिक्स होती है, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके अलावा क्लोनिंग वेक्टर्स, डीएनए लाइब्रेरी, डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना, तो ये सारा भी हमें पढ़ना होता है इसी सब्जेक्ट के अंदर। वेटनरी इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी, किस तरह से हमारी इम्यूनिटी काम करती है ये हम पढ़ते हैं ह्यूमन मेडिसिन में, बट किस तरह से एनिमल की इम्यूनिटी काम करती है उसमें WBCs होती हैं, उनमें हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, या फिर एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं, या फिर एंटीजेंस क्या होते हैं, ये सारा हमें पढ़ना होता है। और जो भी डाटा होता है वो बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम ह्यूमन, मतलब आपने फॉर एग्जांपल से कि एक्स नंबर ऑफ WBCs होती है ह्यूमन में, पर एनिमल में वो वाई नहीं होती, वो वाई होती है कैट में, जेड होती है डॉग में, ए होती है अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल में। जनरल आइडिया दे रहा हूँ बिकॉज कि मैं कोई गलत कंटेंट देना नहीं चाह रहा। तो साइटोकाइंस के बारे में इसमें होता है, इम्यूनो टॉलरेंस के बारे में इसमें होता है, ऑटो इम्यूनिटी के बारे में होता है, मतलब कुल मिला के जितना भी इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत ही एडवांस साइंटिफिक डाटा जो है, थ्योरीज जो हैं, वो हमें इसमें पढ़नी होती है। उसके बाद बात आती है जनरल और सिस्टेमिक वेटनरी वायरोलॉजी, वायरस के बारे में, पूरा वायरस के बारे में, कौन कौन सी डिजीज़ होती है, मेजर डिजीज होती है, डक्स में होती हैं डिजीज़, है ना, उसके अलावा कैट्स में होती है, बोवाइन में होती हैं, तो वो सब भी हमें पढ़ना होता है। कैसे हम वायरस को आइसोलेट करते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस जो फैला ये एक बैट से फैला, तो उसमें स्टडी होगी, उसको रैट्स में इंजेक्शन दे दे के स्टडी करेंगे। तो वायरल्स की स्टडी किस तरह से की जाती है साइंटिफिक लेवल पे, कोई भी वैक्सीन बनाने से पहले जो एनिमल ट्रायल्स होते हैं वो हमें इसमें पढ़ाए जाते हैं वेटनरी वायरोलॉजी में। वेटनरी पैथोलॉजी एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें क्या बड़े मेन कॉज है डिजीज़ के वो पढ़ते हैं, हेमोडायनामिक्स डिसऑर्डर्स हो गया कि ब्लड में कोई डिसऑर्डर है, इसके अलावा डिजनरेशन है, किस तरह से ग्रोथ में जो डिस्टर्बेंस है उसके कारण, बहुत सारी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, सेल टाइप, सेल ग्रोथ, किस तरह से हमारी जो वुंड्स होती हैं उसमें हीलिंग होती है, सिस्टेमिक वेटनरी पैथोलॉजी होती है, मतलब हमें इस तरह से करना होता है कि रेस्पिरेटरी साइंस एनिमल में है तो वो कौन से रेस्पिरेटरी साइंस है, क्या दिखेगा हमें, क्या वो बोल तो सकता नहीं है, तो हमें क्या सुनाई देगा, किस तरह की हमें आवाज़ आएगी, किस तरह से उसकी हार्ट बीट सुनाई देगी, किस तरह से हम उसका जो ब्लड प्रोफाइल है वो चेक करेंगे, नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब भी हमें इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद बात आती है एनिमल ऑन्कोलॉजी, वेटनरी क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड नेक्रोप्सी, अगर कोई एनिमल डेथ हो जाती है तो उसमें उसकी जो बॉडी है वो किस तरह से डिग्रेड होगी, उसकी जो नेक्रोप्सी करेंगे हम, कि जब उसकी बॉडी डेड हो गई है तो हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उस पोस्टमार्टम में हम किस तरह के चेंजेस देखेंगे, वो सब हम इसमें बताते हैं। क्योंकि कभी कभार बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं जो सॉल्व करने के लिए हमें स्पेशली हमें नेक्रोप्सी करनी होती है, हमें यूरिन एनालिसिस करना होता है, तो वो इसमें हम पढ़ते हैं। उसके बाद आती है बात पैथोलॉजी और इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, तो अब हमें बात करनी होती है कि अगर ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है यानी जो फैलती है, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो हम इसमें पढ़ते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब कि एक ह्यूमन के बारे में बात नहीं हो रही है, ये जितने भी डोमेस्टिक एनिमल है सबके बारे में एक साथ बात की जा रही है, कोलैबोरेटिव भी कर रही है, चाहे वो हॉर्स हो, चाहे वो कैटल हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कैट हो, सबके बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद एक अलग से यूनिट है एवियन पैथोलॉजी में, कि जो बर्ड्स होती हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स है, पैरट हो गया, पिजन हो गया, एंड पैरट्स हो गए, पिजन हो गए, डक्स हो गई, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो एवियन स्पीसीज हैं इनकी पैथोलॉजी, किस तरह से इनमें लीजन्स दिखते हैं, किस तरह से इनमें साइंस आते हैं, वो सब हम पढ़ते हैं। पोल्ट्री जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च होगा, उसका एक अलग से पूरा पैथोलॉजी होगा, तो जो चीज़ इतनी तेजी से ग्रो कर रही है तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी हम स्टडी भी ज़्यादा करते हैं, तो ये एक अलग से पूरा बैक्टीरियल डिजीज़, पैथोजेनेसिस, ग्रोथ माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी, ये सब हमने उसमें बर्ड्स के बारे में पढ़ा। फिर आती है यूनिट 6, जिसमें हम पैथोलॉजी ऑफ डिजीज ऑफ लेबोरेटरी एंड वाइल्ड एनिमल्स पढ़ते हैं, इसमें रैट्स, माइस, पिग्स, गिनी पिग्स एंड FMD, स्मॉल पॉक्स, जो भी लेबोरेटरी एनिमल्स हैं या फिर जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनके बारे में यूनिट 6 में हम पढ़ते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बात करते हैं एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, यानी कि AGB। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि बोरिंग भी है एज वेल एज इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज जब मैथ्स आती है तो बायो के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना होता है, बट इसमें काफ़ी कुछ मैथ्स के भी फॉर्मूलाज हैं, काफ़ी कुछ है, बट एज वेल एज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जैसे कि बायोस्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऑब्वियसली बात है ये जो बायो का जो स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट सबके लिए नहीं होता। डाटा एनालिसिस करना होता है, एनालिसिस ऑफ डाटा यूजिंग MS Excel और कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना, मोमेंट स्क्यूनेस, क्यूरटोसिस, ये सारे जो टेस्ट हैं ये सारे फॉर्मूलाज बेस्ड टेस्ट हैं, डाटा बेस्ड टेस्ट हैं, तो
इसका भी एक अलग ही ब्रांच है, पूरा मैथ्स लगभग लगभग आ ही जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एनिमल एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, की कैसी पॉपुलेशन बढ़ रही है, किस जगह कितना है, क्या है क्या नहीं, वो सब इसमें पढ़ते हैं। सेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, लिंकेज, क्रॉसओवर, ये सारे आपको लग रहे होंगे 11th 12th में पढ़े हैं, बट अब हम इसको सारे एनिमल्स को एज अ कोलैबोरेटिव स्टडी हमें करनी पड़ती है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में कि किस तरह से जीन है, जीनोटिपिक है, ये हार्डी विनबर्ग लॉ आपने सुना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड इंट्रैक्शन बिटवीन जीनोटाइप सुना है, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल ब्रीडिंग आपने सुना है। तो यूनिट 3rd की तरफ आते हैं जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, किस तरह से हम ब्रीडिंग कराते हैं लाइफ स्टॉक में, पोल्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ एनिमल ब्रीडिंग क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, तो जितना भी ब्रीडिंग से रिलेटेड है वो सारा इसमें आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं एनिमल न्यूट्रिशन थ्योरी में, जिसमें कि एक यूनिट 1 है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेजर ब्रांच है, किस तरह का एनिमल का न्यूट्रिशन होना चाहिए, चाहे वो कैटल हो चाहे वो हॉर्स हो, सब में कितना प्रोटीन देना चाहिए, कितना हमें कार्ब्स देने चाहिए, कितने हमें फैट देना चाहिए, कितना कैलोरी प्रोटीन रेशो होना चाहिए, कितना हार्मफुल नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो नहीं है उसमें, को अडल्ट्रेशन कर दिया हमने फीड्स में, फोडर में, तो क्या क्या डिजीज उनसे हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारे हम पढ़ रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन में और फीड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद बात आती है अप्लाइड रूमिनेंट न्यूट्रिशन 1st एंड अप्लाइड रूमिनेंट न्यूट्रिशन 2nd, यानी कि इन्होंने रूमिनेंट के न्यूट्रिशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ वैसे भी, इसके अलावा कौन कौन से नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स है क्या है वो सब हमने इस यूनिट 3 में पढ़ा। नाउ यूनिट 4 इज अबाउट अप्लाइड नॉन रूमिनेंट न्यूट्रिशन, यानी रूमिनेंट्स को छोड़कर जितने भी एनिमल्स हैं उनमें क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पोल्ट्री हो गए, पिग्स हो गए, हॉर्स हो गए, तो ये सारे आते हैं नॉन रूमिनेंट्स में, और उनके बारे में पूरा हमें यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में बता रखा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वेटनरी फार्माकोलॉजी, दिस इज अगेन वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स ऑफ वेटनरी मेडिसिन। इसमें जो फार्माकोलॉजी है, जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, ये सब आपको पता है कि आप पढ़ लेना कोर्स करके, बहुत कुछ है इसमें। बाद में आता है फिर ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कि जो भी हम ड्रग देते हैं एनिमल को उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। देन ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर उसके जो ब्रेन पर इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया वगैरह पूरा बेहोश कर देती है। उसके बाद आता है ड्रग्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी सिस्टम, कि अगर हम कोई स्पेसिफिक ड्रग देते हैं तो वो उसी जगह पर जाके एक्ट करेगी, वो पढ़ते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये सारा एक बहुत ही स्पेसिफिक ड्रग के बारे में पढ़ाते हैं, यूरोजेनाइटल सिस्टम हो गया, फ्लूड थेरेपी किस तरह से देते हैं, किस तरह से हम उन्हें फ्लूड एडमिनिस्टर करते हैं, वो सारा हम यूनिट 4 में पढ़ते हैं। उसके बाद आती है बात वेटनरी कीमोथेरेपी। वेटनरी कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं और कैसे हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं किसी भी एनिमल को ठीक करने में, केमिकल्स यानी ड्रग। तो उसके बारे में बताया गया है कि हम केमिकल्स की डीपली स्टडी करते हैं, पेनिसिलिन हो गए, ये सब केमिकल्स हैं जो कि एक ड्रग की तरह काम करते हैं, तो हमें इनके बारे में भी पढ़ना होता है। फिर बात आती है वेटनरी टॉक्सिकोलॉजी के बारे में, यानी कि एनिमल को जब डोज या दवाई ज़्यादा दे दी तो उसे टॉक्सिसिटी हो जाती है, उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए किस तरह की हमें स्टडी करनी पड़ती है वो इसमें आता है, कि टॉक्सिसिटी की डेफिनेशन, हिस्ट्री, किसने लिखी, क्या लिखी, पॉइजनस प्लांट कौन कौन से होते हैं, उनसे अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो कैसे बचाएंगे, अगर कोई एग्रोकेमिकल, जो एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं उनसे किस तरह से टॉक्सिसिटी हो सकती है वो हमें इसमें बताया जाता है। बात करते हैं पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, जो भी कोविड जो फैला था वो इस वाले सेगमेंट में आता है, कि कैसे पब्लिक हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है और कैसे कोई जो डिजीज़ होती है वो फैलती है फ्रॉम एनिमल टू एनिमल एंड एनिमल्स टू ह्यूमन ऑन अ लार्जर स्केल। तो वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी, क्योंकि हमको पता है कि बहुत से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कंज्यूम करती है मीट, कंज्यूम करती है एग, कंज्यूम करती है मिल्क, कंज्यूम करती है, उसके अलावा जो वूल है वो हम उनसे लेते हैं, तो इनका बहुत एक इंटीग्रेशन है हमारी सोसाइटी में। तो उसके ऊपर ये जो हमारी यूनिट 1st है, फूड हाइजीन कैसे रखना है, फूड सेफ्टी कैसे रखनी है, कहाँ कहाँ से कंटेमिनेशन आ सकता है, किस तरह से उसे दूर रखना चाहिए, मिल्क हाइजीन कैसे निकालना है, कैसे सही तरीके से मिल्क निकालना है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, लिम्फ नोड का एग्जामिनेशन किस तरह से करना है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें इसमें पढ़नी होती है। उसके बाद बात आती है वेटनरी एपिडेमियोलॉजी, यानी कि किस तरह से इसमें हम पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी लाइफ स्टॉक डिजीज़ को और एनिमल के प्रोडक्शन को, ठीक है। उसके बाद आते हैं जूनोटिक डिजीज़ के बारे में, इसमें हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जूनोसिस डिजीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ जूनोसिस। उसके बाद आते हैं हम यूनिट 3 जूनोटिक डिजीज़ पे, यानी कि ऐसी डिजीज़ के बारे में स्टडी करना जो कि एक इंसान को हो सकती है फ्रॉम एनिमल। देन आते हैं यूनिट 4 इन्वायरमेंटल हाइजीन, किस तरह से इन्वायरमेंट हम एनिमल का साफ रखें ताकि उसे डिजीज ना हो, उनकी लाइफ अच्छी हो और उस उनका प्रोडक्शन अच्छा हो, जिसके कारण कि एट लास्ट में आपको हमको ह्यूमन सोसाइटी को बेनिफिट हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम वेटनरी पैरासिटोलॉजी के बारे में। आपने देखो एनिमल्स के ऊपर बहुत सारे टिक्स, माइट्स या फिर कह सकते हैं इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स
ये सब भी होते हैं, तो उनकी स्टडी करने के लिए एक अलग ब्रांच है, अलग सब्जेक्ट है, वेटनरी पैरासिटोलॉजी। इसके यूनिट फर्स्ट में जनरल वेटनरी पैरासिटोलॉजी है। यूनिट फर्स्ट आती है जनरल वेटनरी पैरासिटोलॉजी। इसमें हम पैरासाइट्स को जनरल स्टडी करते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर क्या है एनिमल पैरासाइट्स का, इस तरह से ऑटोइम्यून डिजीज़ कौन सी है, पैसिव इम्यूनिटी कौन सी है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं पैरासाइट्स के, इस तरह से पढ़ते हैं। फिर यूनिट टू में ट्रेमेटोड सेस्टोड वेटनरी इंपॉर्टेंस, यानी कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं इनको हमने डिवाइड किया हुआ डिफरेंट क्लास में, तो उसके हिसाब से हम आगे स्टडी करते हैं कि सेस्टोड्स के बारे में, इतनी सारी स्पीसीज के बारे में पढ़ना होता है। मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मोस्ट ऑफ द यू अभी इन सब के बारे में जानते नहीं हो, तो फिर भी मैं आपको एक बार जनरल आइडिया दे देता हूँ। जनरल वेटनरी पैरासिटोलॉजी, उसमें हम फिर ट्रेमेटोड्स सेस्टोड और वेटनरी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, देन नेमेटोड्स पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोड्स पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही मैंने कम बताया, बट दिस इज़ वन ऑफ द हार्ड सब्जेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो भी हम लाइफ स्टॉक रियर कर रहे हैं उससे हम किस तरह से प्रोडक्ट्स लेंगे और उसमें हम किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उन प्रोडक्ट्स को बनाने में। जैसे मिल्क से आइसक्रीम बना रहे हैं तो एक टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्शन करने की जो टेक्नोलॉजी है, कैटल ने दूध दिया बट वो आपके घर में पहुंचा किसी पॉलीथीन में पैक अमूल के ब्रांड के साथ, तो किस तरह से उसका पूरा प्रोडक्शन हुआ वो हम इसमें पढ़ते हैं। किस तरह से उन्होंने मिल्क को लिया, ले जाया, रखा, फेंका, जो भी किया, सुखाया, पाउडर फॉर्म में दिया। तो एवरीथिंग इज़ इन दिस यूनिट फर्स्ट। उसके बाद वूल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, जो भी ऊन हम निकालते हैं उसके बारे में। एबेटोर प्रैक्टिसेस इन एनिमल बाय प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, किस तरह से कैटल, पिग्स, हेंस, इन सबको फॉरेन कंट्रीज एंड एज वेल एज इंडिया में किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से उनकी किलिंग का तरीका है, किस तरह से उनको रखने का तरीका है, लाने का तरीका है, एवरीथिंग इज़ इन यूनिट थ्री। आफ्टर दैट देयर इज़ अ मीट साइंस कंप्लीट ब्रांच, किस तरह से मीट का प्रोडक्शन करना है, इंडिया में बहुत डिमांड है मीट प्रोडक्शन की, तो उसके बारे में इसमें। उसके बाद एक एक्सटेंशन का सब्जेक्ट है वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड एक्सटेंशन, यानी कि जो फार्मर्स हैं उस तक किस तरह से वेटनरी की जो भी सर्विसेज हैं, जो भी गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं वो किस तरह से पहुंचाए जाते हैं, किस तरह से प्लानिंग की जाती है किसी भी चीज़ को खोलने से पहले, किसी भी चीज़ को बताने से पहले, वो इसमें आता है। लाइफ स्टॉक बेस्ड लाइवलीहुड और देयर एवोल्यूशन, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, रूरल सोशियोलॉजी इन वेटनरी एक्सटेंशन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट, किस तरह से हम ट्रांसफर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का लाइफ स्टॉक यानी कि फार्मर के पास। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एज यूजुअल आप पॉज करके वीडियो को पूरा पढ़ सकते हैं अगर आपका पढ़ने का मन है तो। उसके बाद किस तरह से कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, एक्सटेंशन एजेंट जो होता है उसको काफ़ी अच्छे से बॉन्डिंग करनी आनी चाहिए फार्मर के साथ, तभी वो फार्मर को जाके कुछ सिखा पाएगा। तो उस किस तरह से करना है, किस तरह से प्लानिंग करना है, किस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं, किस तरह से ये सब चीज़ें बैकएंड में प्लान की जाती हैं, वो सारा हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। लाइफ स्टॉक इकोनॉमिक्स क्या है, मार्केटिंग क्या है, लाइफ स्टॉक का कोई भी प्रोडक्ट है वो किस तरह से मार्केटिंग करना है, लाइफ स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कोई पलको पोल्ट्री में कुछ नया ब्रांच खोलना चाह रहा है, कोई मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाह रहा है, तो वो इसमें पढ़ते हैं। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ थोड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि वेटनरी क्लिनिक्स प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसमें कि हमें अंडरस्टैंड करना होता है किस तरह से वेटनरी क्लिनिक्स में काम होता है, किस तरह से एग्जामिनेशन होता है टेम्परेचर का, रेस्पिरेशन का, पल्स का। देन आता है वेटनरी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस टू, यानी कि एम्बुलेटरी सेक्शन। देन आता है वेटनरी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस टू, ये फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है बट इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। इसमें हमारा जो क्लिनिक्स में पूरा टाइम हम रहते हैं उसमें एम्बुलेटरी सेक्शन है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी सेक्शन की लैब में किस तरह से डिजीज़ को हम डायग्नोस कर पाएंगे। देन बात आती है मेडिसिन सेक्शन के बारे में, यानी कि किस तरह से हम मेडिसिन लिखते हैं एक एनिमल के लिए, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म किस तरह से भरते हैं, किस तरह से हम एग्जामिनेशन करते हैं सब कुछ, किस तरह से हम डायग्नोसिस देते हैं, मटेरियल कैसे यूज़ लेते हैं, हम सैंपल्स कैसे लेते हैं, यूरिन, फीसिस या स्किन की जो स्क्रैपिंग होती है हम किस तरह से लेते हैं। गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रेक्टिक्स सेक्शन, इसमें प्रेगनेंसी के टाइम पर आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर आती है सर्जरी और रेडियोलॉजी, फ्रैक्चर हुआ है, बोन फ्रैक्चर हुआ है, उसके अलावा उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, उसका कैसे मैनेजमेंट करना है, सर्जरीज जो भी होती हैं, मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी, एम्प्यूटेशन वगैरह, वो सब इसमें पढ़ते हैं। फिर आता है पेट एनिमल रिलेटेड सेक्शन, कि अगर आपके जो पेट एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम हो सकती है, किस किस तरह से, मतलब थोड़ा बहुत सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड है, मतलब कि हर सब्जेक्ट दूसरे से लिंक्ड रहता है, तो इसमें हम पेट एनिमल्स के बारे में मेनली पढ़ते हैं। तो देन फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट की बात करें तो वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, जो कि फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है, इसमें हम वेटनरी का जनरल सर्जरी पढ़ते हैं, फ्लूड थेरेपी हम क्यों करते हैं, हम वुंड्स की किस तरह से ड्रेसिंग करते हैं, उस सब के बारे में। उसके बाद आता है यूनिट टू में वेटनरी एनेस्थीशियोलॉजी, किस तरह से हम एनेस्थीशिया का जो वर्क है वो करते हैं।
डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक, किस तरह से हम एक्सरे लेते हैं, किस तरह से हम MRI स्कैन लेते हैं, क्या किस क्या क्या कैसे कैसे हम इस चीज को सेटअप करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद आता है रीजनल सर्जरी 1 और रीजनल सर्जरी 2, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के किस तरह से कौन कौन सी सर्जरी किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम इन दोनों सेक्शन में पढ़ते हैं। फ्रॉम आइज टू टेल, फ्रॉम लिम्स टू हॉर्न्स, एवरीथिंग हम इस सेक्शन में पढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है ऑर्थोपेडिक्स एंड लेमनेस के बारे में, कि जो लेग्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं एनिमल की, वो हम इस वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी मेडिसिन। वेटनरी मेडिसिन इसमें यूनिट 1 में है कि जनरल पढ़ा, सेकंड है सिस्टेमिक डिजीज़ के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी सिस्टेमिक डिजीज़ है एनिमल की, शीप, गोट, हॉर्स, पिग, डॉग, कैट एंड पोल्ट्री की। उसके बाद आते हैं यूनिट 3 में मेटाबॉलिक एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, किस किस तरह के डेफिशिएंसी के कारण विटामिन ए डी ई के कारण प्रॉब्लम आती है एनिमल्स में, किस तरह के सिंड्रोम आते हैं, किस तरह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, मिल्क फीवर, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद आता है जूनोटिक एंड वाइल्ड एनिमल मेडिसिन, यानी कि जू में किस तरह से हाइजीन रखी जाती है, किस तरह से जू के जो एनिमल्स होते हैं उनका मैनेजमेंट किया जाता है, वो इसमें पढ़ते हैं। बैक्टीरियल, फंगल और रिकेट्सियल डिजीज़, यानी कि अब फोर्थ ईयर आते आते कंपाइल कर रहे हैं, जो हमें माइक्रो में पढ़ा, जो हमने एनाटॉमी में पढ़ा, जो हमने फिजियो में पढ़ा, वो सब एक तरह से कंपाइलेशन हो रहा है वेटनरी मेडिसिन में, तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसके हिसाब से। वायरल और पैरासिटिक डिजीज़ किस तरह से होती है, कम्बिनेशन क्या है, किस तरह से हमें उसकी ड्रग्स देनी है, ज्यूरिसप्रूडेंस, एथिक्स और एनिमल वेलफेयर, इन सब के साथ साथ किस तरह से हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने हैं, इसके बारे में है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है वेटनरी गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, इसमें हमें पढ़ना होता है कि जो भी बोवाइन में या फिर डॉग्स में किस तरह से ब्रीडिंग की जाती है, किस तरह से उनकी ईस्ट्रस साइकिल चलती है, किस तरह से उनमें फर्टिलाइजेशन फेलियर्स होते हैं, किस तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स में जब भी प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम आती है, उससे रिलेटेड ये पूरा एक सेगमेंट है, यूनिट 2, इसमें हम डिस्टोकिया वगैरह के बारे में मेनली पढ़ते हैं, जितना भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हॉर्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं वेटनरी एंड्रोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, किस तरह से AI की जाती है एनिमल के अंदर। देन फाइनली बस हम इतना थोड़ा सा वेटनरी में 5.5 ईयर में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। मतलब समझ रहे हो आप कितना आसान है ये सब पढ़ना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब बिना टेंशन लिया पढ़ सकते हो, बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब इतना कुछ पढ़ना होता है एंड सीरियसली पढ़ना होता है, बिकॉज काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, एंड वी ट्राई और बेस्ट कि हम पढ़ें, बट उसके साथ में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट था, प्रैक्टिकल में ये चीज़ें हमें करनी होती हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। नाउ इट्स अप टू यू, ये सिलेबस देखकर आपको किस तरह का फील हुआ प्लीज़ कमेंट में बताइए, और क्या आप चाहते हैं मैं हर सब्जेक्ट को थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करूँ डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ में। अगर ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कितना डीपली जाना है, क्या क्या हमने पढ़ा है, कुछ फोटोग्राफ शेयर करूँगा। बाय द वे, मैं सारे कमेंट्स के आंसर राइट नाउ दे पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कम फॉलोअर्स हैं, और हर एक टॉपिक जो भी आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूँगा। सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन कमेंट एंड एक्चुअली गेट द रिप्लाई, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। दिस वीडियो टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट, इफ यू लाइक इट आई विल बी हैप्पी। बाय बाय।